जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक और सही सलामत ही होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एनजी इन्फो चैनल में, जहां आपको हर तरह की नई नई जानकारियां जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में ई रूपी क्या है उसके बारे में माहिती बताने जाना हो तो दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में एक नई डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। जैसे कि आप सब यह जानते ही होंगे कि सरकार आए हुए दिनों में नई नई टेक्निक पर काम कर रही है और हर बार डिजिटल पहल की शुरुआत के साथ साथ नई नई डिजिटल चीजों की खोज करती है। आप सब यह अच्छी तरह से जानते ही हैं कि भारत देश में अब तक बहुत सारी चीजें ऑनलाइन डिजिटल हो चुकी है। लोग मिनटों में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा आसानी से भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ई रूपी डिजिटल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को इसके लिए किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई की जरूरत नहीं होगी। आप किसी को भी बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के बिना पैसे बहुत आसानी से भेज सकते हैं। यह क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है। यह ई वाउचर उपयोगकर्ता के मोबाइल पर भेजा जाएगा। उपयोगकर्ता उस वाउचर को बिना किसी डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड के बिना भी वह पैसे प्राप्त कर सकता है। ई रूपी डिजिटल पेमेंट को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से चालू किया है। इसमें वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सहयोगी भागीदार है। डिजिटल पेमेंट का कनेक्शन किसी भी प्रकार के भौतिक इंटरफेस के बिना डिजिटल तरीके से आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ई रूपी का इस्तेमाल करने के लिए जो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उर्वरक जैसी योजना के तहत माँ और बाल कल्याण योजना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, दवा और निदान जैसी दवाएं और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए है। सब्सिडी आदि निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के लिए इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकते हैं। इस पहल के माध्यम से कल्याणकारी सेवाओं का लीक, क्रांतिकारी वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। UPI डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसके सर्विस का पेमेंट ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद ही उसे किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें शामिल NPCI के प्रमोटर बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिटी बैंक और HSBC बैंक का समावेश होता है। ई रूपी डिजिटल प्लेटफॉर्म कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस होगा। इस साधन के माध्यम से जो भी उपयोगकर्ता होगा, वह QR कोड या SMS आधारित ई वाउचर के माध्यम से डिजिटल भुगतान कर सकता है। ई रूपी डिजिटल का वाउचर सीधे यूजर्स के मोबाइल पर भेजा जाएगा। कोई भी व्यक्ति ई रूपी को उपयोग करता होगा, वह इस वाउचर को बिना किसी भुगतान ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड के रिडीम, बिना किसी भुगतान ऐप यानी जीपे, पेटीएम जैसी और बिना किसी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए वह पेमेंट कर सकता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपने UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही ई रूपी डिजिटल का भुगतान सेवा शुरू की है। इस योजना में सहयोगी भागीदार वित्तीय सेवा विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का समावेश होता है। इस पहल के माध्यम से सेवाओं की प्रायोजक लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ा जाएगा। इस संबंध शारीरिक इंटरफेस के किसी भी प्रकार के बिना एक डिजिटल तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा प्रदाता को भुगतान लेन देन पूरा होने के बाद किया जाएगा। ई रूपी को भुगतान करने के लिए किसी भी प्रकार का चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना को वहाँ प्रयोग में लाया जाएगा जहाँ जो दवाइयाँ और पोषण का समर्थन प्रदान करने के लिए होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ई रूपी के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ई रूपी का टॉपिक समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। मैं आपके प्रश्न के जवाब आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह माहिती अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस तरह की नई नई जानकारियां जानने को पसंद है तो इस NG इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको तुरंत मिल सके। आपको जय हिंद, जय भारत। आपका धन्यवाद।